हेलो स्टूडेंट, आरसीई एजुकेशन अब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बायोलॉजी क्लास में बात कर रहे थे तने के भूमिगत रूपांतरण, तो आज हम बात करेंगे तने के अर्धवायु रूपांतरण। तने के अर्धवायु रूपांतरण, तने के अर्धवायु रूपांतरण के निम्न प्रकार हैं। नंबर एक, ऊपरी भूस्तारी। रनर बोलते हैं, जैसे घास है, मार्सिलिया है, ऑक्जेलिस है, इस प्रकार के तने होते हैं जो एक प्रकार से मृदा पर रेंगते हुए वृद्धि करते हैं। रनर हैं, दौड़ने वाले हैं, रेंगते हुए वृद्धि करते हैं, जैसे इस प्रकार से बढ़ते हैं। इसके ऊपर पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। पर्वसंधियों से ऊपर की ओर वायु तना और नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें विकसित होकर एक नए पादप का क्या होता है, जन्म होता है। इस प्रकार से होगा जो आप देख रहे हैं। और एक किस्म होता है धूप, जिसे घास बोलते हैं, मार्सिलिया ऑक्जेलिस में इस प्रकार से होता है। अर्थात ये भूमि के अंदर कैसे बढ़ते हैं, रेंगते हुए बढ़ते हैं, इस प्रकार से बढ़ेंगे। इस पर क्या पाई जाती हैं, पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं, अर्थात जिनसे नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर वायवीय तने का विकास होकर, अर्थात एक प्रकार से कलिका का निर्माण होकर एक नए पादप का क्या होता है, निर्माण होता है, जिसे बोलते हैं ऊपरी भूस्तारी। नंबर दो है अंतःभूस्तारी। जिसका एग्जांपल आपके सामने अंतःभूस्तारी में आता है, जैसे पुदीना है, पुदीना बोलते हैं, पुदीना भी बोलते हैं, गुलदाउदी हैं। अंतःभूस्तारी का उदाहरण है। इसके अंदर कि जैसे जो वायवीय तना होता है, जो तिरछा वृद्धि करेगा, किधर बढ़ेगा, तिरछा वृद्धि कर रहा है, और जो भूमिगत तना होता है, जो किधर बढ़ेगा, क्षैतिज बढ़ेगा। इसके ऊपर भी क्या पाई जाती है, पर्वसंधियाँ पाई जाती हैं। पर्वसंधियों से नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें कि वायु तना, ये किधर बढ़ रहा है, एक प्रकार से तिरछा बढ़ रहा है। ये देखिए, ये तिरछा वृद्धि कर रहा है और नीचे की ओर अपस्थानिक जड़ें और ऊपर की ओर एक प्रकार से कलिका का निर्माण होकर नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। और इसका उदाहरण आपके सामने पुदीना गुलदाउदी है, एक प्रकार से अंतःभूस्तारी का क्या है, उदाहरण है। इसी प्रकार से नंबर भूस्तारी का, भूस्तारी का जिसको बोलते हैं ऑफसेट। ध्यान रहे, जैसे पिस्टिया है, जलकुंभी है, एक प्रकार से भूस्तारी का उदाहरण। ये प्राय जलीय पौधों में पाए जाते हैं, ये जलीय पौधों में पाए जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं जलीय पौधों का मोटा मांसल ऊपरी भूस्तारी तना क्या कहलाता है, भूस्तारिका कहलाता है। और इसके अंदर एक प्रकार से पत्तियां होती हैं जो गुच्छों के रूप में निकलती हैं, इस प्रकार से जो भूस्तारिका का उदाहरण है। ध्यान रहे, अर्थात जलकुंभी है, पिष्टी है, वो किसका उदाहरण है, भूस्तारिका का उदाहरण है। नंबर चार है भूस्तारी बोलेंगे स्टॉलन, वेलिशनेरिया है, वेलिशनेरिया घुया है,
स्ट्रॉबेरी हैं। इसके उदाहरण है, इसका मुख्य तना होता है जो भूमि के अंदर होता है और वो तना पहले वायवीय वृद्धि करेगा, उसके बाद में भूमिगत हो जाएगा। वायवीय वृद्धि करेगा उसके बाद में भूमिगत होकर एक नए पौधे का क्या करता है, निर्माण करता है। जैसे भूमिगत हो गया और यह एक प्रकार से नए पौधे का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और इसका उदाहरण वैली सिनेरिया घुइया है, स्ट्रॉबेरी है, तो ये भूस्तारी कहलाते हैं। तो ये तने के अर्धवायु रूपांतरण ऊपरी भूस्तारी, याद रखें घास है, मार्सिलिया है, ऑक्जेलिस है। अंतः भूस्तारी में आपको याद रखना है पुदीना है, गुलदाउदी है। भूस्तारी का जिसे हम क्या बोलेंगे, ऑफसेट बोलेंगे, जिसका उदाहरण आपके सामने पिस्टिया है, जलकुंभी है। और भूस्तारी में आपको वैली सिनेरिया और क्या है, घुइया। तो ये हैं तने के अर्धवायवीय रूपांतरण, याद रखें। तो इसमें एग्जाम में क्या क्या प्रश्न पूछ लिया जाता है कि निम्न में से पुदीना है, आपको ऑप्शन डाल देगा ऊपरी भूस्तारी, अंतः भूस्तारी, भूस्तारी या भूस्तारी का, आपको पहचानना है, एग्जाम्पल याद रखना है। तो आप तुरंत क्या कहेंगे, अंतः भूस्तारी। या आपको पूछ लिया गया कि भूस्तारिका का उदाहरण है, आपको घास लिख दिया, पिस्टिया लिख दिया, पुदीना लिख दिया, वेलिशनेरिया लिख दिया, तो तुरंत आप पहचान जाएंगे कि कौन है, पिस्टिया है। तो आपको मेन फोकसिस पे क्या ध्यान रखना है, एग्जाम्पल याद रखना है, क्योंकि नीट के एग्जाम में देखा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप विशेष करें में क्या याद रखेंगे कि एग्जाम्पल याद रखें कि ऊपरी भूस्तारिका का उदाहरण क्या है, अंतः भूस्तारिका का उदाहरण क्या है और भूस्तारिका का उदाहरण क्या है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।